रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पागल हुई हो, मेरी बात का यकीन करो, मैंने पांडे को नहीं मारा। बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि गोली तुम्हारे गन से चली है या नहीं। वो गन मेरी नहीं है, वो गन किलर की। ओह, यू मीन किलर ने पांडे को मारा, फिर तुम्हें देखकर अपनी गन तुम्हारे चरणों में रख के चला गया, राइट? हाँ, एक्चुअली स्टोरी ऐसी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग। मैं जब पांडे के घर पहुंचा तो मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला, देखते मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा एक आदमी ब्लैक हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहन के खड़ा था, लेकिन उसका फेस एक स्कार्फ से कवर्ड था। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता, वो टर्न हुआ और उसने मुझे धक्का दिया और वो भाग गया। मैं उसके पीछे पीछे भागा, भागते भागते उसने मुझ पर फायर भी किया। मैं उसे पकड़ने वाला था, वो गायब हो गया। फिर वापस पांडे के घर पहुंचा और मैंने देखा कि पांडे की लाश वहाँ जमीन पर। इससे पहले कि मैं कुछ करता तो वहाँ पहुँच के तुम्हें लगा कि पांडे को मैंने मारा। मैं पुलिस वाला हूँ, दूसरे पुलिस वाले को क्यों मारा? तुम्हें क्या लगा तुम झूठ पर झूठ बोलते रहोगे और मैं तुम्हें बिलीव कर लूंगी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला? तुम एक पुलिस वाले हो? हाँ, इंस्पेक्टर सुधीर कोहली, राइट? अगर तुम सुधीर कोहली हो तो ये कौन है? तुम सुधीर कोहली नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो, यू आर अ चीट। इस बात की खबर पांडे को लग गई और इसीलिए उसने मुझे वहां बुलाया, लेकिन तुमने उसे मार डाला, राइट? और असली सुधीर कोहली का क्या किया? उसे भी पांडे की तरह मार दिया या? मैंने किसी का खून नहीं किया, तो मेरी बात। Shut up. Seriously, just shut up. तुम्हारा दिल जानता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन तुम अपने दिल की बात मानना नहीं चाहती। तुम एक क्रिमिनल हो और एक क्रिमिनल के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तो फिर मुझे ये बताओ कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के बदले तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई? वहां लाश के पास तुमने अपनी टीम का इंतजार क्यों नहीं किया? बोलो क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम हो कौन, तुम्हारी असलियत क्या है, क्या चाहते हो तुम आखिर? What do you want? हेलो, हाँ जॉनी, क्या 7 साल की बच्ची का किडनैप? तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। कहाँ बच रहा है? क्या मिला था आपको? बलून्स? व्हाट डू यू मीन बलून? कलरफुल स्माइली फेस गैस बलून्स। जहाँ बच्ची खेल रही थी वहां से लेके जहाँ जहाँ पर वो किडनैप हुई वहां तक। तुम जानते हो उस किडनैपिंग के बारे में? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ किडनैपिंग की किसने। बलून मैन मतलब वो वापस आ गया। बलून मैन? हाँ, उसी की तलाश में मैं यहाँ। शिवा, आपके पेपर्स, डिफेंस कॉलोनी वाला बंगलो आपके नाम।
अरे मैं स्वीट एंजल का, अरे गया, मैंने सोचा कि मेरी परी उड़ गई। हाय हाय पापा, डोंट टच, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। I'm sorry, मैं लेट हो गया। आप लेट नहीं हो, आप भूल गए थे। आप मुझे स्कूल के बाद फन फेयर लगाने वाले थे और चॉकलेट खिलाने वाले थे और बलून खिलाने वाले थे। नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं वो काम में बिजी हो गया था ना, तो काम में बिजी हो गए थे। आप एकदम भर के झूठे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हाँ हो गया, पैसे भी मिल गए। हाँ, जब वो बंगलों में अपने बॉस को लेके जाएगी ना, तो समझ आता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ यार, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, परी नाराज हो गई। स्कूल के बाद उसे मेले में ले जाने वाला था, पर वो हाँ आए प्लीज यार, अभी लेक्चर मत दे, अभी भी परी ये बहुत लंबा लेक्चर देके गई है। मैं तो फोन करता हूँ। परी इंस्पेक्टर सुनील बोल रहे, आपकी बेटी किडनैप हो गई। ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई, ये बलून मैन का काम है। बलून मैन? हमारे पुलिस रिकॉर्ड में उसे इसी नाम से मिला। महीनों तक हम परी को ढूंढते रहे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बस एक नाम बार बार सामने आया, बलून मैन, जो हर साल अलग अलग स्टेट से एक 7-8 साल की बच्ची को किडनैप करता था। इंस्पेक्टर कोहली ने बताया कि लड़कियों पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया जाता था, लेकिन ये बलून मैन उन लड़कियों को क्यों किडनैप करता था ये सिर्फ वो बलून मैन जानता था। एक दिन इंस्पेक्टर सुधीर कोहली मेरे घर आए। मैं समझ सकता हूँ तुम जो महसूस कर रहे हो। अच्छा नहीं लगता, मेरे 6 साल का बेटा अपनी आया के साथ नर्सरी स्कूल जा रहा, एक नशे में धुत ड्राइवर ने गलती से उसे उड़ा दिया। कई महीनों तक मुझे ये लगा कि एक बुरा सपना है टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा। अम्मा सॉरी, इट्स ओके। यू नो केशव, तुम लकी हो, तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी को वापस लाने की उम्मीद तो है। ये बलून में पिछले 7 सालों में 7 बच्चियों को किडनैप कर चुका है, जिसमें से एक तुम्हारी बेटी भी है, लेकिन डेड बॉडी से 5 लड़कियों की मिली। जब दूसरी लड़कियों को किडनैप किया तो पहली लड़की डेड बॉडी मिली थी? नहीं, 7 साल पहले एक और डेड बॉडी मिली थी, लेकिन वो किडनैपिंग के 2 दिन पहले एक टैक्सी ड्राइवर रमाकांत झा की टैक्सी की डिक्की मिली थी। मानी जाने का मतलब है कि रमाकांत झा बलून में? नहीं, वो बलून में नहीं हो सकता है, वो कई सालों से जेल में। गुड न्यूज ये है कि मेरी अगली पोस्टिंग उसी जेल के पास हुई है, मैं वहां जाके केस को रीओपन करने की कोशिश करूं। 2 महीने तो फाइल ट्रांसफर होने में, सॉरी मैं आपको इतना वक्त नहीं दे सकता बर्बाद करने के लिए। आज के लिए कुछ ज्यादा होगा, कल बात करूं। पुलिस साहब, Thank you.
ज्यादा चढ़ गए क्या? कर वापस करो। पागल हो गए हो क्या? मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा नाम और तुम्हारी जगह। फिर से एक बच्ची को किडनैप कर लिया, लेकिन इस बार सिर्फ 8 महीने। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब यहाँ तो मेरी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है। यहाँ भी 36 घंटे में मार दी जाए, इसलिए I'm sorry. Seriously, don't. Stupid मत बनो। बलून मैन को पकड़ना पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। वो बेटी तो मेरी है ना। Don't. I swear to God, I will shoot you. Don't move. Keshav, don't. ये असली पुलिस, इंस्पेक्टर सुनील पुलिस। अगर ये कुरियर तो वो कौन है? वो जो भी है, इतने दिनों से पूरे डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा है। पांडे का मर्डर भी उसी ने किया हो, क्योंकि पांडे उसके बारे में जान गया था। तो साक्षी, वो जानती है? ये इंक्वायरी बॉस ने ही करवाई थी, लेकिन मुझे लगता है उनके दिल में उस आदमी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वरना अब तक उसे अरेस्ट हो जाना चाहिए था। वो अरेस्ट हो चुका था, मैंने खुद उसे अरेस्ट किया था पांडे के घर से, मगर मेरे हाथ से निकल गया। तुम्हारे हाथ से निकल गया? एक क्रिमिनल तुम्हारे हाथ से निकल गया, ये कैसे हो सकता? चीफ, वो एक क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी बेटी की तलाश में आया है। एंड वो क्रिमिनल नहीं, बॉस, आर यू सीरियस? उसने पूरे डिपार्टमेंट को धोखा दिया, हमें बेवकूफ बनाया, पांडे का मर्डर उसने किया है। चीफ, मैं तो कहता हूँ उसके लिए शूटर साइक का ऑर्डर दे देना चाहिए आपको। ये कोहली के पीछे पड़ने का टाइम नहीं, वो कोहली नहीं है बॉस। जो भी है, फिर वो बलून मैन ने एक और बच्ची को किडनैप किया है। 36 घंटे में हमें एक मासूम बच्ची की लाश मिल सकती है। ये बलून मैन कौन है? बलून मैन एक साइकोपैथ है माजी, जो पिछले 7 साल से हर साल 6-7 साल की बच्ची को किडनैप करता है और उनकी हत्या करता है। तो इतने सालों में तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ ही नहीं पाया? हमारी भी तो 7 साल की बच्ची है, तुम्हें सबसे पहले उस किडनैपर को पकड़ना चाहिए। I'm sorry, माजी। आप भी पुलिस फोर्स में मर्डर किडनैपिंग से बड़ा, और वो नकली कोहली एक मर्डरर है। आसिफ, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। फिलहाल कोहली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम कभी भी पकड़ सकते हैं, हमारे पास वक्त है। वो बच्ची ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ढूंढो, समझे? और वैसे भी कोहली अगर बलून मैन के पीछे है तो हमारे रास्ते जरूर क्रॉस होंगे, राइट? जी। ये मैडम ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया वो आप अच्छे से नोट कर लेना, ओके? आज आप अकेले? सर, गुड मॉर्निंग। वैसे बॉस कहाँ पर है? मेरे पीछे। बोली, थैंक गॉड कि आप आ गए। आई एम श्योर कि अब आप पिंकी को जरूर ढूंढ के लेके आएंगे। वैसे इसका ऑपरेशन है नेक्स्ट वीक। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, रैंसम की कोई डिमांड अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरी हेल्प जरूर करोगे ना? किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं। मतलब? रैंसम! प्लीज डोंट मूव। मुझे अभी अभी ऑर्डर्स मिले, जब तक बॉस यहाँ पे नहीं आ जाते आप यहाँ से नहीं हिल सकते। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, आपके साथ भी धोखा हुआ है जैसे हमारे साथ हुआ है। ये इंसान सुधीर कोहली नहीं है। डोंट मूव। आप प्लीज अपनी जगह पे खड़े रहे। कोहली, कोई बेवकूफी मत करना। किसी पुलिस ऑफिसर को तुमने हर्ट किया तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हें दो बात बताना चाहता हूँ। पहली, मुझे अपने आप को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बेटी को बचाना चाहता हूँ। मेरा नाम सुधीर कोहली नहीं, मेरा नाम केशव खत्री है। शूट करना था तो पाव पर शूट करते हैं, वो मर भी सकते थे। सॉरी बॉस, गलती से निशाना चूक गया।
क्या हो रहा है ये सब? अच्छा तो ये है वो सामान जिसका तुम ऊपर से लेती थी रेंट? देखिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और इन दोनों ने मुझे यहां पर किडनैप करके रखा है। गॉड डैम क्रिमिनल ऑफेंस। बोल से कम ऑन मैन, खोलो जल्दी, तुम्हें तो जेल में डाल देना हमारी औरत पे हाथ डालते। अरे नहीं यार, आपको गलत समझ, मैंने आपके औरत पे कोई हाथ नहीं डाला। तो क्या डाला? फ्राइंग पैन। जल्दी चल, निकल मैं। थैंक यू। आते रहना। हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकते। ए, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। बलून मैन ने एक और बच्ची को किडनैप कर ली। बलून मैन? कब? अच्छा 6 घंटे पहले। मेरे पास सिर्फ 32 घंटे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। लेकिन तुम अकेले क्या करोगे? पता नहीं, पुलिस को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। गेट इनसाइड जल्दी। Are you sure ये kidnapping balloon मैंने की है? हाँ, मैं गया था वहां पे, मैंने देखे वही बलून से, वही स्माइलिंग फेसेस, और ये बलून के नीचे ये चॉकलेट्स। चॉकलेट्स? तो ये बच्चियों को इस तरह फंसा रहा है, लेकिन इस बार कुछ गलत किया है, इसलिए उसने किडनैपिंग का टाइमिंग भी चेंज कर दिया है। बलून मैन के बारे में जानना चाहते हो तो अंधेरा होने के बाद चिकोली ब्रिज के नीचे मिलना। एक मिनट, कौन बोल? क्या हुआ? एक औरत थी, बोल रही है अगर बलून मैन के बारे में जानना चाहते हो तो चिकोली वाले ब्रिज के नीचे मिलना। What? केशव खत्री फिर से भाग गया? जी चीफ, उसके साथ दो लोग और भी थे, एक ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। जिसका होलिया बिल्कुल ओरिजिनल सुधीर कोहली से मैच भी करता है। सुधीर कोहली, यू मीन इंस्पेक्टर? यस सर। वो पुलिस वाले पर क्यों फायरिंग करेगा? चीफ, मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि हमें केशव के बदले बलून मैन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। साक्षी, कहीं तुम उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मैं उसे क्यों बचाऊंगी? एक बार बलून मैन पकड़ा जाए, मैं खुद उसे अरेस्ट करके। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। सिर्फ सुनो, बोलना मत। एक औरत का फोन आया था, कह रही थी बलून मैन की इन्फॉर्मेशन देना चाहती है और उसके लिए शिकोली ब्रिज के नीचे बुलाया है। आप समझते क्यों नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ समझ गया, आई नो इट्स अ ट्रैप, और इस वक्त मेरी बैकअप सिर्फ तुम हो। हाँ मैं समझ गई, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। हाँ, ये बैंक वाले भी ना लोन देने के लिए पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी कि एक बार बलून मैन पकड़ा जाए, मैं खुद कोहली को, केशव को, सॉरी दोनों को अरेस्ट करके ले आऊंगी। आई प्रॉमिस। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया है। इतनी देर से यहाँ पर बेवकूफ की तरह खड़े हैं। अश्वा, साक्षी यहाँ केशव कोहली से मिलना ही है। 100% चीफ, मैंने सुहासिनी से बॉस के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए थे,
बॉस को वो कॉल किसी बैंक से नहीं बल्कि उस नकली पुली के फोन से आए थे। This is ridiculous. हेलो, कहाँ हो तुम? ब्रिज के नीचे। तुम्हें ब्रिज के नीचे एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। उस डस्टबिन के नीचे कुछ ऐसा है जो तुम्हें बलून मैन तक पहुंचाने में मदद करेगा। But... क्यों? उसके नीचे कुछ रखा। Okay. Hey. Keshav, dog, it's a trap! Hello, Kiko. Police, sir, give me money. Hey, no, no. Koi fayda nahi. Rifle bullet. Johnny, call the ambulance now. आखिर तूने मरवाई थी हाँ, और अगर तूने इस बच्चे को बचा लिया ना तो समझना तूने अपनी बच्ची बचा ली और मेरे बेटे को भी। मैं जानता हूं आपकी बेटी एक बाप की दूसरे बाप से रिक्वेस्ट मुझे सिर्फ 24 घंटे चाहिए। मैं जानता हूं मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। प्लीज साक्षी प्लीज इनको समझाना। आई मीन तुम जानते हो 24 घंटे में मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। आई स्वेयर मुझे सिर्फ उतना ही वक्त चाहिए। प्लीज कम ऑन चीफ, चीफ कम ऑन प्लीज साक्षी मुझे सिर्फ 24 घंटे चाहिए। कम ऑन ले जाए सर, मेरी बेटी जिंदा है यार। चौबीस घंटे